हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल पर एक नई एनिमे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेई चियांग। यह इसका पहला एपिसोड है। इसका दूसरा एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है यह विशाल ब्रह्मांड अभी अपने बचपन की स्थिति में ही पहुंचा है, जिसमें बहुत सी डायमेंशंस हैं, जिनमें अलग अलग दुनिया है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच हर समय फाइट चलती रहती है। डार्क डायमेंशन के प्राणी पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए दूसरे डायमेंशंस की दुनिया पर आक्रमण करते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले कई दुष्ट क्रिएचर हमारे डायमेंशन में घुस आए और उन्होंने पृथ्वी को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनको रोकने के लिए कुछ अच्छे क्रिएचर भी पृथ्वी पर आ गए थे, जिन्होंने इंसानों के साथ मिलकर दुष्ट क्रिएचर्स के साथ फाइट की और उन्हें एक टू डायमेंशन प्लेन में कैद कर दिया। ये दुष्ट क्रिएचर इस डायमेंशनल बैरियर के टूटने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद ये हमारी दुनिया पर कब्जा कर सकें। इसके बाद हमें एक भयानक क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि डायमेंशनल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ एक आदमी और एक गोल्डन एम्परर आते हैं, जो उस दुष्ट क्रिएचर से कहते हैं, भले ही हमें अपने प्राण देने पड़े लेकिन तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। और उन तीनों में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। दुष्ट क्रिएचर उनसे कहता है, मानव जाति के लोग निम्न श्रेणी के हैं, अगर हम उन पर राज करेंगे तो उनका ही भला होगा। तभी वह आदमी एक गोल्डन स्वॉर्ड निकालता है और उससे कहता है, तुमने अपनी दुनिया तो नष्ट कर दी, अब हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हो। इसके बाद मानव दैत्य पर हमला कर देता है, लेकिन वह दैत्य कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली था, जो तलवार के वार को डॉज कर लेता है। इसके बाद गोल्डन एम्परर और मानव एक साथ मिलकर उस दैत्य पर हमला करते हैं। तभी वह फायर पावर का यूज करके उन्हें दूर कर देता है और कहता है, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम किसी भी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तभी मानव एक कार्ड का यूज करके उसे कैद करने की कोशिश करता है, साथ ही अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है और अपनी शक्तियों का यूज करके उसे टू डायमेंशन के एक कार्ड में कैद कर लेता है और कार्ड को अपने पास रख लेता है। तभी हमारे मुख्य किरदार की आंख खुल जाती है, जिसका नाम है ली जियान, और वह कहता है, मैंने दोबारा वही सपना देखा। इसके बाद ली जियान अपने पिता की नोटबुक देखता है, जिसमें उस दैत्य और गोल्डन स्वॉर्ड की इमेज बनी हुई थी। इसे देखकर उसे याद आता है, सपने में जिस आदमी को उसने गोल्डन स्वॉर्ड के साथ देखा था वह उसके पिता की तरह दिखता है। तभी वह अपने पिता की तस्वीर को देखकर सोचता है, मेरे पिता 8 साल पहले अचानक ही गायब हो गए और आज तक लौटकर नहीं आए, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वह जरूर लौटेंगे। तभी वह कुछ कार्ड्स को देखता है और सोचता है, ये कार्ड उस जगह से मिले थे जहाँ से मेरे पिता गायब हुए थे, ये तो बच्चों के खेलने के काम आते हैं, इन्हें मेरे पिताजी ने अपने पास क्यों रखा होगा। वहीं पीछे खड़ा गोल्डन एम्परर हमारे करैक्टर को देख रहा होता है, लेकिन वह लड़का उसे देख नहीं सकता है। तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है। वह सोचता है, शायद ऐसा पूरी रात किताब पढ़ने से हो रहा है। जिसके बाद वह अपने माता पिता की फ़ोटो को देखता है और कहता है, मॉम डैड, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं 18 साल का हो गया हूँ। तभी वह कहता है, मेरी मॉम मुझे जन्म देते ही मर गई और मेरे पिता 8 साल से गायब हैं। तभी उसकी ग्रैंड मदर वहाँ आती है, उसे बर्थडे विश करती है और उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि एक चश्मा होता है। वह बताती है, तुम्हारे पिता ने कहा था जब तुम 18 साल के हो जाओ तब इसे तुम्हें देना। जैसे ही वह चश्मे को पहनता है उसकी आंखों का दर्द ठीक हो जाता है। वह अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है, मैं अभी अपने स्कूल जाता हूँ, उसके बाद काम पर चला जाऊँगा। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है, आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें आज काम से छुट्टी लेनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। ली जियान बोलता है, ग्रैंड मदर, मुझे जल्द से जल्द पैसे जमा करने हैं ताकि मैं उस जगह को देखने जा सकूं जहां से मेरे पिता गायब हुए थे। अब वह अपनी ग्रैंड मदर को बाय बाय बोलकर अपने स्कूल को चला जाता है।
उसकी ग्रैंडमदर उसके माता पिता की फोटो को देखकर बोलती है, ले जियान बहुत मेहनती लड़का है, वह तुम्हारी तरह गायब नहीं होना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है ले जियान स्कूल की ओर जा रहा है, तभी उसे एक डार्क वुल्फ दिखाई देता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या यह केवल मुझे ही दिख रहा है और लोग तो इसे नहीं देख रहे हैं। वह डार्क वुल्फ ले जियान से कहता है, तुम्हारी शक्तियाँ जाग गई हैं जिन्हें मैं महसूस कर सकता हूँ, और ले जियान पर हमला कर देता है। तभी ले जियान का बैग चमकता है और उसे पीछे खींच लेता है। वहाँ उस डार्क वुल्फ के अटैक से जमीन धस जाती है जिससे एक छोटी बच्ची उसमें गिरने लगती है, लेकिन ले जियान उसे बचा लेता है। डार्क वुल्फ ले जियान से कहता है, मैं तुम्हारा सपना जानता हूँ, यह सपना नहीं हकीकत है, मेरे साथ आओ नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा। ले जियान कहता है, यह तो मेरे सपने में खलनायक के साथ था। ले जियान डार्क वुल्फ के पीछे भागता है और उससे पूछता है, तुम क्या हो? इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो ले जियान को देखकर कहती है, यह तो लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। डार्क वुल्फ के पीछे भागते समय ले जियान महसूस करता है कि उसकी पावर बहुत बढ़ गई है, शरीर बहुत हल्का हो गया है और स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई है और शरीर गोल्डन कलर में चमक रहा है। ले जियान डार्क वुल्फ के पीछे भागते भागते एक रहस्यमय कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही वह उस पुराने खंडहर से कमरे के अंदर पहुंचता है, वैसे ही वह कमरा सुंदर महल में बदल जाता है। वहां उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, तुम्हारी शक्तियाँ जाग गई हैं। तभी वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है। ले जियान उस दरवाजे से अंदर चला जाता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तभी उसके सामने डार्क वुल्फ का कार्ड आता है जिसके अंदर से डार्क वुल्फ बाहर आता है और कहता है, यह कोई मामूली कार्ड नहीं है, मेरा नाम लेई लिंग है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे आज़ाद करो और मेरा जनरल बन जाओ। ले जियान पूछता है, इसका मतलब क्या है? तो डार्क वुल्फ कहता है, डार्क डायमेंशन की पावरफुल स्पिरिट को आज़ाद करने में हमारी मदद करो, इसके बाद हम मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ले जियान कहता है, तुम तो हमारी दुनिया को तबाह कर दोगे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तभी डार्क वुल्फ कहता है, फिर तो मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी, वैसे भी अभी तुम्हारी सभी शक्तियाँ नहीं जागी हैं, और ले जियान पर हमला कर देता है। तभी ले जियान का शरीर चमकने लगता है और कोई उसे पीछे खींच लेता है, वह गिरने लगता है और उसके पास गोल्डन एम्परर का कार्ड आता है जो उसे एक शब्द बोलने को कहता है। जैसे ही ले जियान उस शब्द को बोलता है, वैसे ही गोल्डन एम्परर कार्ड से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद ले जियान जमीन पर गिरता है। वह महसूस करता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं लगी और उसकी पावर भी काफ़ी बढ़ गई है। तभी उसके सामने गोल्डन एम्परर आता है और कहता है, मैं हमेशा से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे पास डायमेंशन को खोलने की पावर है, इसलिए यह भेड़िया तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद वहाँ डार्क वुल्फ आता है और वहाँ चारों ओर धुआं फैला देता है जिसमें छिपकर डार्क वुल्फ ले जियान पर हमला करता है और उससे कहता है, यदि तुम अच्छाई के रास्ते को चुनते हो तो तुम्हें बहुत कष्ट सहने होंगे, तुम्हारी नसों में तुम्हारे पिता का खून है जिसके कारण उसकी क्वीन हाइजू तुम्हें विरासत में मिली है, अपनी क्वीन हाइजू मुझे दे दो। यहाँ पर क्वीन हाइजू का मतलब चमत्कारी शक्तियों से है। तभी ले जियान का चश्मा गिरता है और गोल्डन एम्परर बोलता है, अपनी आँखें खोलो और शक्तियों का इस्तेमाल करो। जैसे ही ले जियान अपनी आँखें खोलता है, उसकी आँखों से नीली और चमकीली लाइट निकलती है जो उस डार्क वुल्फ को घायल कर देती है और उसे जकड़ने लगती है। जैसे ही ले जियान अपना चश्मा पहनता है, डार्क वुल्फ फिर से आज़ाद हो जाता है। गोल्डन एम्परर ले जियान से बोलता है, तुम्हारा चश्मा एक सील की तरह काम करता है जो तुम्हारी पावर को कंट्रोल करता है।
तभी डार्क वुल्फ लेजियान पर हमला करता है और कहता है, मैं तुम्हारी क्वीन हाइजू को खा लूंगा, जिससे मेरा पावर लेवल 2 ग्रेड बढ़ जाएगा। तभी गोल्डन एम्परर लेजियान को बताता है, हम एडवांस डायमेंशन के शक्तिशाली प्राणी हैं। यह डार्क वाइकिंग है जो तुम्हारी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। मैं तुम्हारी दुनिया को इस डार्क वाइकिंग से बचाना चाहता हूँ। हम सभी 2 डायमेंशन प्लेन में कैद हैं और किसी प्राणी को हमें इस 2 डायमेंशन प्लेन से आज़ाद करना होता है। तुमने मुझे पूरी तरह से आज़ाद नहीं किया है, अब तुमको मुझे पूरी तरह से आज़ाद करना होगा, तभी मैं पूरी पावर का यूज कर पाऊँगा और इस डार्क वुल्फ को मार पाऊँगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर इन डार्क वाइकिंग्स से फाइट की और इन्हें 2 डायमेंशन प्लेन में कैद किया। तभी डार्क वुल्फ आता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम बहुत डरकोप हो, इसे आज़ाद नहीं कर सकते, और लेजियान पर हमला करता है। तभी गोल्डन एम्परर उसे बचा लेता है। डार्क वुल्फ गोल्डन एम्परर से कहता है, तुम अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे सामने अभी बहुत कमज़ोर हो, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी गोल्डन एम्परर लेजियान से कहता है, कार्ड का यूज करके मुझे पूरी तरह से आज़ाद करो। लेजियान कार्ड को हाथ में पकड़कर ऊपर उठाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद गोल्डन एम्परर उसे एक शब्द बोलने को कहता है। लेजियान ऐसा ही करता है, इससे वहाँ गोल्डन लाइट चमकने लगती है और गोल्डन एम्परर पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। लेजियान के हाथ में एक गोल्डन स्वॉर्ड आ जाती है, उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। यह देखकर डार्क वुल्फ हैरान हो जाता है और कहता है, यह तो अभी बहुत छोटा है, फिर भी पवित्र शक्तियों का यूज करने में सफल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद डार्क वुल्फ लेजियान पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागता है, जिससे वह डरकर भागने लगता है। तभी गोल्डन एम्परर लेजियान से कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो, मेरी पावर का यूज करो और डार्क वुल्फ से फाइट करो। लेजियान कहता है, मुझे फाइट करना नहीं आता। इसके बाद गोल्डन एम्परर कहता है, अब मेरी सारी पावर तुम्हारे पास है, भागना बंद करो और इस तलवार का यूज करके वुल्फ से फाइट करो। तभी डार्क वुल्फ कहता है, लेजियान तुम एक कायर हो जो केवल भाग सकता है, लेकिन तुम्हारे पिता एक महान जनरल थे। इस बात को सुनकर लेजियान को बहुत गुस्सा आता है और वह गोल्डन स्वॉर्ड का यूज करके डार्क वुल्फ पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत भयंकर फाइट शुरू हो जाती है और अंत में अपने पिता को याद करके लेजियान डार्क वुल्फ के 2 टुकड़े कर देता है। और यहीं पर पहला एपिसोड समाप्त होता है। इसका दूसरा एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें।